हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर्की मेक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो मैंने कुछ वीडियोस में आपको फैशन बेसिक्स में कुछ ब्रास की बात की थी और आप में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं ब्रास पे एक वीडियो बनाऊँ। तो आज का वीडियो है कि कौन सी ब्रा कौन से टॉप के साथ जाए, क्योंकि बेसिक्स तो हम लोगों को जनरली पता होते हैं, पर कुछ टॉप्स होते हैं जो ट्रिकी होते हैं और उनमें समझ नहीं आता कि कौन सी ब्रा पहने। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रास फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉप्स। ऑल्सो मैं कुछ शेप वेयर्स की भी बात करूंगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है और हम सबको मिठाई विठाई भी हो ही जाती है, तो थोड़ा सा वेट पुट डाउन हो जाता है और फिर हमें फिटेड ड्रेस पहननी पड़ती है। तो मैं शेप वेयर्स की भी ज़रूर बात करूंगी। और गाइज, आज का वीडियो शुरू करने से पहले, ये जो वीडियो है ये क्लोविया के साथ कोलैबोरेशन में है। क्लोविया जो है एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आप ब्राज, लॉन्जरे, स्लीप वेयर और बहुत कुछ शेप वेयर्स ले सकते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि ब्रा साइज आप कैसे सेलेक्ट करें। तो जनरली कन्फ्यूजन होता है हमें, तो पहला तरीका है कि आप जो है लॉन्जरे स्टोर्स जा सकते हैं या फिर मॉल्स में आजकल हर जगह एक सेक्शन होता है, तो आप वहां जा सकते हैं, आप डिफरेंट जो साइजेस है वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी होता है कि डिफरेंट ब्रांड्स के जो है वो डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वहाँ जाके मैं डिफरेंट ब्रास ट्राई करूँ एंड देन अपना साइज डिसाइड करूँ कि किस ब्रांड में मेरा क्या साइज़ है। जनरली सेम ही होता है, बट कभी कभी एक आध ब्रांड्स में आपको फ़र्क दिखाई दे जाता है। दूसरा तरीका है, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप कैसे सेलेक्ट करें। तो उसके लिए जो है एक चार्ट होता है, स्पेशली क्लोविया में एक चार्ट होता है, उसमें आप क्या करिए, सबसे पहले अपना ओवर बस जो साइज़ है वो आप एक इंच टेप लीजिए और आराम से आप घर में मेजर कर लीजिए। और ये मेजर करने के लिए आप अपनी कोई नॉन पैडेड वाली फिटिंग जो ब्रा है वो पहनिए और उसके बाद मेजर करिए, और उसके बाद आप अपना अंडर बस्ट एरिया जो है वो मेजर करिए। तो ये दो जो मेजरमेंट्स आ जाएंगे आपके, तो इसके बाद आप चार्ट के अगेंस्ट अपना जो साइज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये सारी ब्रास जो है अपने चार्ट के हिसाब से सिलेक्ट की है और सबका साइज जो है बिल्कुल ठीक आया है। तो इस तरह जो है आप अपनी जो है ब्रा साइज वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कन्फ्यूज मत होइए, एक इंच टेप लीजिए, बहुत ईजी, आप ईजिली जो है मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगी वो बेसिक्स ब्रास की बात करूंगी, जो बेसिक्स होती हैं, एंड देन उसके बाद में थोड़ी ट्रिकी वाली ब्रास की बात करूंगी, एंड देन आई विल कम टू शेप वेयर्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें घर पे जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में कौन सी ब्रा पहने, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि घर की कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आप जो है इस तरह की नॉन पैडेड, नॉन वायर्ड कॉटन ब्रास पहन सकते हैं। इस ब्रा में जो है वो डबल कपड़ा है, तो इसीलिए नॉन पैडेड भी ओके वर्क करता है, स्पेशली जब आप घर में टोटली कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाली ब्रा बहुत अच्छी है। मैं जनरली नॉन वायर्ड और नॉन पैडेड प्रेफर करती हूँ घर में। नेक्स्ट जो बेसिक ब्रा है वो है गर्ल्स टी शर्ट ब्रा। नाउ टी शर्ट में क्या होता है कि ब्रा जो होती है वो सीमलेस होनी चाहिए, अगर वो सीमलेस नहीं होती तो उसकी वो लाइंस दिखती है टी शर्ट पे और वो बहुत गंदी लगती है। और जनरली अगर आप फिटेड टी शर्ट्स पहनते हैं तो आपको सीमलेस टी शर्ट ब्रा ज़रूर पहननी चाहिए। इवन अगर आप लूज पहनते हैं तो भी आपको सीमलेस टी शर्ट ब्रास पहननी चाहिए, स्पेशली टी शर्ट के लिए आती हैं ये। तो ये कुछ इस तरह की होती हैं, ये जो है पैडेड सीमलेस टी शर्ट ब्रा है। इसकी आप जो देखेंगे ये एजेस है, ये बिल्कुल सीमलेस है, तो इसमें अगर आप टॉप पहनते हैं तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा इसकी ब्रा की लाइन, और इसीलिए जो है ये वाली ब्रास रेकमेंड होती है टी शर्ट्स के लिए। तो टी शर्ट्स हो चाहे टॉप्स हो, मैं तो सूट्स में भी यही ब्रा पहनती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो लाइंस दिखे। तो ये जो है ब्रास बहुत ही वर्सटाइल होती है, तो आप ये ब्रा आपके जो वार्डरोब में जरूर होनी चाहिए। नाउ ये हो गई आपकी बेसिक ब्रा, टी शर्ट ब्रा और होम कम्फर्ट वाली ब्रा। नाउ नेक्स्ट मैं बात करूंगी वो तरह के टॉप्स या सूट्स जिनका जो गला है, या फिर साड़ी के ब्लाउजेज जिनका गला जो है बहुत डीप होता है। तो अगर ऐसे टाइप का कोई टॉप या ब्लाउज या ड्रेस है आपके पास और आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि अगर इतने डीप में आप नॉर्मल ब्रा पहनेंगे तो उसका जो है स्ट्रैप दिखना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए उसके लिए इस तरह की जो है प्लंज नेकलाइन की ओपन फ्रंट ब्रा जो है बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह की ये ब्रा होती है, इसमें जो है ये डबल लेयर ऑफ अगेन क्लोदिंग है, इसकी जो आगे जो लुक है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल डीप वी है। तो इस तरह की ब्रास में आप इजीली जो है अपने डीप वी नेक के टॉप्स, ब्लाउजेज या ड्रेसेस, सूट्स आप पहन सकते हैं। ऑल्सो ये जो है आगे से ओपन वाली है, आप इसको ईजिली जो है आगे से ओपन कर सकते हैं एंड देन आगे बंद कर सकते हैं। तो
आप देखेंगे कि मैंने ऐसा एक टॉप पहना था बनारसी चुन्नी वाले मेरे वीडियो में, और उसका जो टॉप है वो बहुत ही डीप था। तो उस तरह के टॉप्स में आप जो है इस तरह की ब्राज इजीली पहन सकते हैं, और फिर आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि वो स्ट्रैप दिखेगा। तो इसको कहते हैं प्लंज नेकलाइन ब्रा। अगर आपको इनके लिंक्स में इंटरेस्ट है तो मैं सबके लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं आपके उस तरह के टॉप्स या ड्रेसेस जो ऊपर से सी थ्रू होती हैं, जैसे कि नेट का जो होता है, आप कई बार आपकी नेट के टॉप्स होते हैं और आप सोचते हैं उसमें क्या पहने, तो उसमें आप जो है ब्रालेट्स पहने जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस टाइप की जो है ये ब्रालेट होती है, आप देखेंगे इसमें नीचे जो ये एक्स्ट्रा लेस है, तो वो जो ट्रांसपेरेंट टॉप है उसके अंदर से जो है ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत ट्रेंड में आपने देखा होगा, सेलेब्स भी एयरपोर्ट स्टाइल में बहुत स्पोर्ट करते हैं। दोस टाइप ऑफ ब्लैक टॉप्स जो सी थ्रू टाइप्स होते हैं उसमें इस टाइप की ब्रालेट्स बहुत अच्छी लगती है। तो इस टाइप की ब्रालेट्स आप ज़रूर एक वार्डरोब में हो तो आप वाइट में ले सकते हैं, आप ब्लैक में ले सकते हैं, जिस तरह के टॉप्स आपके पास हैं। और आप पीछे देखेंगे इसमें पीछे भी पूरी तरह की लेस है, तो ये जो है बहुत ही सुंदर लगते हैं ये टॉप्स और ड्रेसेस के साथ। नाउ नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी वो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रा आपके पास, चाहे कुछ भी ना हो लेकिन वो ब्रा आपके पास ज़रूर होनी चाहिए वार्डरोब में, और वो है एक स्ट्रैपलेस ब्रा। जैसे आप देखेंगे कि मैंने ये ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ है, और इस टॉप में आप सिर्फ स्ट्रैपलेस ब्रा पहन सकते हैं और कोई भी ब्रा अच्छी नहीं लगेगी, नहीं तो स्ट्रैप दिखेगा। इसी तरह ब्लाउजेज जिनका बैक बहुत डीप होता है, या फिर टॉप्स जिनके स्ट्रैप्स ऊपर से सी थ्रू होते हैं, तो उस तरह के टॉप्स में आप बेसिकली इस तरह की स्ट्रैपलेस ब्रा पहन सकते हैं। बेसिकली स्ट्रैपलेस ब्रा आप किसी भी टॉप के अंदर पहन सकते हैं, स्ट्रैप नहीं दिखते, बट उसमें क्या है बेसिकली सपोर्ट होना चाहिए वो स्ट्रैप का। तो ये है इस तरह की एक मल्टी फंक्शनल ब्रा जिसके जो स्ट्रैप्स हैं आप रिमूव कर सकते हैं, और स्ट्रैप्स रिमूव करके ये बन जाती है स्ट्रैपलेस ब्रा। हर ब्रा स्ट्रैपलेस नहीं बन पाती है, तो स्पेसिफिकली कुछ ब्राज होती हैं जिनकी आगे की जो मेकिंग है वो इस तरह से होती है कि आप उनको स्ट्रैपलेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो आप इस तरह से स्ट्रैप्स हैं ये इस तरह से जो है रिमूव हो जाते हैं, और फिर ये बन जाती है स्ट्रैपलेस ब्रा। तो स्ट्रैपलेस ब्रा आपके पास ब्लैक और न्यूड में दो में ज़रूर होनी चाहिए, मेरे पास हमेशा ब्लैक और न्यूड रहता है। अगर आप सिर्फ एक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप न्यूड में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो ज़्यादातर सबके साथ चल जाता है, वरना एक ब्लैक और एक न्यूड आप दो में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। तो स्ट्रैपलेस ब्रा तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वार्डरोब में, क्योंकि वो किसी भी ड्रेस के साथ चल जाता है, और स्पेशली इस तरह के यू नो ऑफ शोल्डर्स थिन स्ट्रैप्स वाले टॉप्स हॉलीडेनेक्स के साथ भी आप स्ट्रैपलेस ईजिली पहन सकते हैं। इवन अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हॉलीडे पे जा रहे हैं, तो सबके साथ बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट जो दो ब्राज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की ब्राज हैं। तो फर्स्ट जो ब्रा है वो इस टाइप की ब्रा है जिसमें आगे से ये टी टाइप का पैटर्न बना हुआ है। तो इस टाइप की जो ब्रा है वो आप स्पेगेटी टॉप्स में और या फिर थिन स्ट्रैप्स वाले टॉप में जिनका वी नेक थोड़ा सा डीप है उसमें पहनी है, तो ये टी स्ट्रैप दिखता है और ये बहुत अच्छा लगता है। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ही स्टाइलिश और फैंसी लगता है। तो जैसे कि आपने एक वी नेक का टॉप पहना हुआ है उसमें आप इसको पहन सकते हैं अंदर से, और एक ब्लेजर ले लीजिए, तो बहुत ही स्टाइलिश लुक होता है। तो ये फैंसी ब्रा के अंदर आता है और ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई ऐसी ड्रेस है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, जिसमें पीछे का पूरा वेस्ट तक का जो फैब्रिक है वो पूरा सी थ्रू है, ऐसा होता है लहंगों में, फ्लोर लेंथ अनारकलीज में भी आता है और ब्लाउजेस में भी आता है, तो कंफ्यूजन होता है कि इस टाइप के आउटफिट में किस टाइप की ड्रेस पहने। तो इस टाइप के आउटफिट के साथ बेस्ट है कि आप इस तरह की स्टिक ऑन ब्राज ले। तो ये होती है स्टिक ऑन ब्राज, इसमें जो है इस तरह का ये स्टिक ऑन प्लास्टिक आता है, इसको आप रिमूव कीजिए और देन आप जो है इसको आराम से आगे अपने ब्रेस्ट पे स्टिक कर सकते हैं। तो आप इसको हमेशा जो है टाइट जो ड्रेस है उसके अंदर पहनिए ताकि ये अपने प्लेस पे रहे। डेफिनेटली इसका जो स्टिक ऑन है ये वर्क करता है, बट आप मेक श्योर कीजिए कि आपका ब्रेस्ट एरिया स्वेटी ना हो या कोई क्रीम ना लगाई हो, तो उसके लिए फिर ये स्टिक नहीं करेगा। तो आप ऐसी ड्रेसेस में इस टाइप की जो ब्राज है फिटेड ड्रेस में इस टाइप की पहन सकते हैं जिसका जो पीछे का जो बैक है पूरा सी थ्रू है। ऑल्सो आप ये जो पैकेट है इसको हटा के कहीं फेंक ना दीजिए, इसको ज़रूर रखिएगा, वापस इसमें स्टिक कर दीजिए तो ये ज़्यादा स्टिक वर्क करता है, अदरवाइज इसका ये स्टिक ऑन जो है वो जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ये वाले पैकेट्स अपने पास रखना बिल्कुल ना भूलें। तो ये तो बात हो गई ब्रास की, अब बात करते हैं शेप वेयर्स की। नाउ बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि साड़ी में अगर हमारा टमी निकला हुआ है तो हम किस टाइप की जो है साड़ी पहने। तो सबसे पहले मेरा जो है आपको सजेशन होगा कि आप थोड़ी सी हाई वेस्ट साड़ी बांधे इंस्टेड ऑफ लो वेस्ट, क्योंकि लो वेस्ट पे पेट और बिल्कुल बाहर निकल जाता है। दूसरा जो है आप शेप वेयर्स यूज कर सकते हैं, साड़ी के शेप वेयर आजकल आने लगे हैं जिसमें भी क्या होता है थोड़ा सा पेट को एक सपोर्ट देता है और
जो आपका शेप है वो बहुत अच्छा लाने में ये हेल्प करता है। तो इससे क्या साड़ी की शेप ऊपर से बहुत अच्छी आती है। तो ये होता है ये शेप फेयर। मैंने जो है ये मंगाया है साइज एम में, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेचेबल है और बहुत ज़्यादा ढीला अगर आप मंगवाएंगे अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या फिर जो प्लीट्स है वो अंदर जाके कहीं निकल ना जाए, ये डर हो सकता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा बॉडी हगिंग ही ऑर्डर करें। तो ये साड़ी शेप फेयर है जिसको आप देखेंगे कि ऊपर से जो है ये पूरा टमी टकर टाइप का जो है मटीरियल है, तो ये थोड़ा सा पेट को होल्ड करेगा और नीचे जो है इस टाइप प्लेन मटेरियल है। नाउ नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जो हम सभी बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, और वो है बॉडी शेपर। नाउ बॉडी शेपर में बहुत टाइप के बॉडी शेपर्स आते हैं। मैं जो है स्पेशली टमी टकर यूज करती हूँ इस टाइप का, क्योंकि मेरा जो है टमी एरिया प्रॉब्लमेटिक है, मेरा टमी एरिया का फैट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है इस तरह का मैं टमी टकर यूज़ करती हूँ। अगर आपके लेग्स भी हैवी हैं तो एक लेग्स वाला भी आता है इससे अटैच्ड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका अपर एरिया, ब्रेस्ट एरिया या फिर पेट का एरिया या फिर नीचे थाइज भी सब कुछ हैवी है, तो आप एक पूरा फुल ऑन बॉडी शेपर आता है, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये जो है बॉडी शेपर है, और ये जो है उन ड्रेसेस के लिए बहुत अच्छा है जो आप फिटेड पहनना चाहते हैं लेकिन आपकी टमी बल्ज आउट हो जाती है और आप नहीं पहन पाते, वो अनारकलीज, लहंगे, सूट्स, साड़ियाँ या ड्रेसेस, इवनिंग गाउन्स, तो आप उसके लिए ये वाला टमी टकर अंदर से पहनिए और देन बाहर से वो पहनिए, तो पेट की शेप जो है काफ़ी अच्छी आती है। मैं टमी टकर्स के बारे में पहले भी बहुत बात कर चुकी हूँ अपने चैनल में, क्योंकि मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा पेट जो है बहुत ज़्यादा टमी फैट है, तो इसीलिए मुझे बहुत हेल्प करता है शेप देने में। तो गाइज ये था वीडियो टमी टकर्स, बॉडी शेपर्स एंड साड़ी शेपर्स एंड ब्रास के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, क्योंकि मुझे पता है फेस्टिव सीजन आने वाला है। फेस्टिव सीजन आने क्या वाला है, बस आ ही चुका है, तो उसमें हमें बहुत सारे आउटफिट्स पहनने होते हैं और हर कोई बेस्ट लुक में और बेस्ट शेप में दिखना चाहता है। तो आप ये सब ट्राई कर सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, और आई होप बहुत अच्छा आपका फेस्टिवल और वेडिंग सीजन निकले। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे इस कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको थम्स अप देना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए पर्की मेक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स, वहाँ ऐसी और फैशन अपडेट्स आपको मिलेंगी, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, बाय बाय।